फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है सागर क्लासेस में। और मैं अरुण सागर आज एक नया इशू लेके आया हूँ। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारे पास डेट हो गई है, 26 तारीख हो गई है। और जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा है कि आज एक कैबिनेट में एक आदेश पारित हुआ है यूपी में, हमारी विधानसभा में, कि आगामी जो शिक्षक भर्ती है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इसके अलावा शिक्षा मित्रों को 25 अंक वेटेज देने की बात भी कही गई। फ्रेंड्स, इसी वीडियो में मैं इन शॉर्ट आपको जो आज जो कैबिनेट हुई है उसके हिसाब तो जो चीजें डिसाइडेड हुई हैं जरा उनको इस वीडियो में बताऊंगा क्या है माजरा, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो ये चीज जान लें कि जो भी लोग हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सबसे पहले जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए ताकि आपको शिक्षा जगत से जुड़े बाकी सारे वीडियो भी मिलते रहे। अब जरा जानते हैं कि आज की मीटिंग में फटाफट क्या हुआ। आज की मीटिंग में जो हुआ वो सीधा सा इशू ये था कि जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है सरकार को उसको पटरी पे लाना है उत्तर प्रदेश में, इसको ध्यान में रखते हुए जो है वो शिक्षा मित्रों को उनके प्रतिवर्ष अनुभव के आधार पर, ध्यान से सुनिएगा, शिक्षा मित्रों को उनके प्रतिवर्ष अनुभव के आधार पर 2.5 अंक जो है वो दिए जाने की बात स्वीकार कही है। इसके अलावा सरकार जो है वो उनको टोटल 25 अंक का वेटेज दे रही है। लेकिन अभी तक संदेहास्पद है कि 25 अंक किस तरीके से जोड़े जाएंगे, इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश नहीं आया है। उम्मीद है कि सरकार जो है वो बहुत जल्द इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश देगी कि 25 अंक किस तरीके से जो है वो उनके जुड़ने हैं। लेकिन यहाँ पे हमको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि इन 25 अंकों के साथ ही जो है वो आगामी भर्ती जो है वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जिसमें जो है आपके लिखित परीक्षा के 60% अंक जोड़े जाएंगे। इसके अलावा जो आपका एकेडमिक है उसके 40% जोड़े जाएंगे। बाकी सब चीजों को और क्लैरिफाई करने के लिए हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और इंतजार करना पड़ेगा एससीईआरटी यूपी का कि बाकी चीजों का वो क्लैरिफिकेशन किस तरीके से देती है। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इश्यूज के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है सागर क्लासेस में। और मैं अरुण सागर आज एक नया इशू लेके आया हूँ। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारे पास डेट हो गई है, 26 तारीख हो गई है। और जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा है कि आज एक कैबिनेट में एक आदेश पारित हुआ है यूपी में, हमारी विधानसभा में, कि आगामी जो शिक्षक भर्ती है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इसके अलावा शिक्षा मित्रों को 25 अंक वेटेज देने की बात भी कही गई। फ्रेंड्स, इसी वीडियो में मैं इन शॉर्ट आपको जो आज जो कैबिनेट हुई है उसके हिसाब तो जो चीजें डिसाइडेड हुई हैं जरा उनको इस वीडियो में बताऊंगा क्या है माजरा, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो ये चीज जान लें कि जो भी लोग हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सबसे पहले जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए ताकि आपको शिक्षा जगत से जुड़े बाकी सारे वीडियो भी मिलते रहे। अब जरा जानते हैं कि आज की मीटिंग में फटाफट क्या हुआ। आज की मीटिंग में जो हुआ वो सीधा सा इशू ये था कि जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है सरकार को उसको पटरी पे लाना है उत्तर प्रदेश में, इसको ध्यान में रखते हुए जो है वो शिक्षा में